दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल करने की खुशी में डूबी आम आदमी पार्टी को 8 सीटों पर मिली हार परेशान कर रही है। 8 सीटों की हार की वजह ढूंढने के लिए आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि आपको ध्रुवीकरण की वजह से 8 सीटों पर हार मिली है। दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी आम आदमी पार्टी टेंशन में है। आपकी टेंशन की वजह है वो 8 सीटें जिन पर आम आदमी पार्टी को हार मिली है। दिल्ली में सत्ता की हैट्रिक लगाने के साथ साथ आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर मिली हार की वजह जानने में जुटी है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने 8 सीटों पर हार की समीक्षा की। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इतना काम करने के बाद भी 8 सीटों पर हार कैसे मिल गई। आपके लिए करावल नगर, लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर की हार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। माना जा रहा है कि करावल नगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को उत्तराखंड से होने का सीधा फायदा मिल गया। करावल नगर विधानसभा में उत्तराखंड के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। वही एक एक सीट की हार का मंथन करने में लगी आपके लिए लक्ष्मी नगर की सीट की हार भी परेशान करने वाली है। यहाँ नितिन त्यागी महज 800 वोट से हार गए। नितिन त्यागी की हार के लिए लोगों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्वास नगर की सीट पर मिली हार में भी आम आदमी पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ खुद मुख्यमंत्री 2 बार प्रचार करने पहुँचे मगर फिर भी विश्वास नगर में आप उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मेरे ख्याल से 5 साल सरकार चलाने के बाद दिल्ली के लोगों ने 62 सीट दी है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली के लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने खास तौर से जब पूरी केंद्र की हुकूमत, पूरी पार्टी, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरा फौज लगी थी दिल्ली में नफरत फैलाने के लिए, ऐसे में लोगों ने मोहब्बत की जीत की है, काम की जीत की है। इसका मायने बहुत बड़ा है, न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मायने है। विश्वास नगर से सटी गांधीनगर की सीट इस बार आपके हाथ से निकल गई। यहां से आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों से भी हार की वजह जानी जा रही है। यमुना पार की रोहताश नगर और गोंडा सीट पर भी आपकी मौजूदा विधायक सरिता सिंह और श्री दत्त शर्मा हार गए। हार के मंथन के बीच आपके कई नेता शाहीन बाग के चलते वोटों के ध्रुवीकरण को हार की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। आपको लगता है कि वोटों का सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण दिल्ली की यमुना पार में हुआ है। शायद यही वजह है कि 8 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी ने यमुना पार की 2 लोकसभा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में हारी, जबकि सीलमपुर और मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहु सीटों पर आपने शानदार जीत दर्ज की। बहरहाल, आपके लिए 8 सीटों की हार की टेंशन से ज्यादा खुशी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।